मदईपुर गांव में अलविदा की नमाज में सुरक्षा के लिए गए थे सिपाही। नमाज के बाद दोनों सिपाही अपनी बाइक से थाना मानधाता वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में नदी के किनारे महुए के पेड़ के नीचे एक बाइक खड़ी दिखी तो सिपाहियों ने अपनी बाइक को रोक दिया। खड़ी बाइक के पास पहुंचे तो दोनों ने देखा कि झरमुट के बीच चार युवक बैठकर आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही दोनों सिपाही उनकी तरफ बढ़े, इतने में एक युवक ने तमंचे से सिपाही के ऊपर फायर कर दिया। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। सिपाही को बदमाशों ने दिन दहाड़े दौड़ा कर गोली मारी है। हालत गंभीर है और जिसे SIM हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। दोपहर का टाइम तकरीबन 2:30 बजा था। सुना गांव में सब भागने लगे, ऐसे से कुछ बाहर के लड़के आए थे, कुछ हरिहरपुर गांव के थे, बंतरी के थे, कुछ गांव के भी लड़के शायद बुलाए थे। उसके बाद जो है मोइनुद्दीन देखे भागे अपना दौड़ाने के लिए, दो लोग जो है फायर करते हुए अपना दहशत फैलाते हुए निकल गए। सब नंबर पे डायल किया, हम लोगों ने टाइम से गाड़ी भी नहीं पहुंची, वो लोग फायर करते हुए निकल गए। टाइम से गाड़ी नहीं पहुंची, गाड़ी आई थी क्या 100 नंबर? 100 नंबर गाड़ी भी नहीं आई थी। तो टाइम से नहीं पहुंची? हाँ, 100 नंबर गाड़ी आई ही नहीं थी। फोन करने पर भी नहीं आई? फोन करने पे भी 100 नंबर गाड़ी नहीं पहुंची। आपका शुभ नाम? मोहम्मद रईस, प्रधान प्रतिनिधि। धन्यवाद।